हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्वादर के जयाले 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार है। जिला ग्वादर के जयाले सूबाई क्यादत के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के नाहल वजीर आजम इमरान नियाजी ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई माशी पॉलिसी दी है। पाकिस्तानी अवाम कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को रिलीफ देने, महंगाई को रोकने और बेहतरीन माशी पॉलिसियाँ बनाई है। पीपल्स पार्टी बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा को मुस्तरद करती है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी 100% इजाफा कर दिया। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी पार्टी है जो गरीबों, बेरोजगारों और गरीब मुलाजमीन की हुकूक की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला ग्वादर के सदर यूसुफ फरियादी, फजल करीम और इमदाद कतरी का ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक्सर मैट्रिक के बाद बच्चों को तालीमी मैदान में दुरुस्त सिमत का तयन करना मुश्किल हो जाता है। ग्वादर के उस्ताद तारिक जमील ने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्वादर जदीद में मैट्रिक के तालिब इल्मों के लिए करियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया। स्कूल टीचर तारिक जमील ने स्कूल के तलबा की बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से काउंसलिंग की। किसी भी शहर में बुनियादी मईशियत को मद्देनजर रखकर ट्रेड के इकदामात को फरोग दिया जाता है। ग्वादर की बुनियादी मईशियत फिश इंडस्ट्रीज से वाबस्ता है। बॉर्डर ट्रेड भी इलाकाई मईशियत के ट्रेड का अहम जरिया है। ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुज़श्ता 12 सालों से ग्वादर की तरक्की और ट्रेड के फरोग के लिए जहन साजी कर रही है। ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मकामी बिजनेस कम्युनिटी के अलावा बाहर के सरमायाकारों को सरमायाकार की भी तरगीब दे रही है। ग्वादर मुस्तकबिल में सरमायाकारी का हब बनने जा रहा है। हुकूमत को कायल कर रहे हैं कि वो मकामी बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले और ग्वादर फोर्ट प्री जोन में ट्रेड के मौके फराहम करने के लिए हौसला अफजाई करे। चाइना बिजनेस सेंटर में ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर नागमान अब्दुल कादर तकरीब से खताब। माहीगीर तंजीम ग्वादर माहीगीर इत्तेहाद के रहनुमाओं का पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ट्रॉलर फरार होने के बाद हुकूमत की तरफ से बनाए गए ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम ने समंदर में गश्त करना छोड़ दिया है, जो कि तश्वीशनाक इकदाम है। ट्रॉलर्स भगाने में फिशरीज के साथ साथ बाकी सिक्योरिटी इदारे भी जिम्मेदार हैं। खुदादाद वाजू कहते हैं कि माहीगीरों ने अपने कदीम माहीगीर बस्ती मुल्लाबंद को ग्वादर पोर्ट के लिए कुर्बान कर दिया है, ताकि ग्वादर पोर्ट की वजूद के बाद माहीगीरों की जिंदगी में बेहतरी सके। लेकिन माहीगीरों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर लेबर करार देने की दरख्वास्त 2010 में बाकायदा असेंबली में मंजूर होने के बावजूद आज तक फाइलों की जीनत है, ताहाल बिल पर अमल दरामद न हो सका। 12 फरवरी को फरार करवाया गया ट्रॉलर को वापस किया जाए। 25 फरवरी को सिलसिलावार एहतजाज शुरू किया जाएगा। आज ही खुदादाद वाजू, अकबर रईस और दिगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जीवनी शहर मसाइल की आमाजगा बन गया। कमर तोड़ महंगाई, सफाई और ट्रैफिक के रोज बढ़ते हुए मसाइल पर तहसीलदार ऑफिस जीवनी में बैठक लग गई। जीवनी के मसाइल को हल करवाने के लिए तहसीलदार जीवनी किरदार अदा करे। बॉर्डर एरिया के बावजूद शहर में महंगाई की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। साबिक चेयरमैन मंजूर कहते हैं कि तहसीलदार अपने टीम के हमरा अवाम को खुद साख्ता महंगाई, सफाई और ट्रैफिक के निजाम को दुरुस्त कराने में अमली इकदाम उठाए। म्यूनिसिपल कमेटी जीवनी साबिका चेयरमैन मंजूर अहमद की सरबराई में 6 रुकनी वफ्द ने मुलाकात में शिरकत की। बहरी कजाकों ने बहरे बलूच को बांझ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ट्रॉलर्स को सख्त सिक्योरिटी के असार से निकाल कर फरार करवाना गैर मामूली इकदाम है। इस अमल से ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी पर असर नो जायजा लिया जाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मीर खुर्शीद जमालदीनी ने ग्वादर फिशरमैन फोरम के मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप से खिताब किया।
ग्वादर के बुजुर्ग सियासी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर और जिला नाजिम मीर अब्दुल गफूर कलमती से ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ शोबे आए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुलाकात। मुलाकात में ग्वादर के माहिगीरों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर और शहरी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बुजुर्ग कलमती ने यकीन दहानी कराई कि मीर हम्मल ग्वादर के मसाइल हल करने में किरदार अदा करेंगे। ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वादर में गोल्डन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। गोल्डन वीक के दौरान तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। गोल्डन वीक के इख्तिताम पर तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम में म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। अपोजिशन के बाद हुक्मरान जमात ने भी अपने आप को गोल करना शुरू कर दिया। हुक्मरान जमात पीटीआई भी ग्वादर के मसाइल पर सरापा एहतजाज बन गई। मक्की मस्जिद के सामने ग्वादर के मसाइल पर शदीद एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनान ने भी शिरकत की। मसाइल हल न होने के जिम्मेदार एमपीए ग्वादर और एमएनए लसवेला ग्वादर है। एमपीए और उसके वालिद ने खुद को पीर का दर्जा दिया हुआ है। लोगों के मसाइल हल करने के बजाय चंद सिक्के तकसीम करके लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपीए अपना किरदार अदा करता तो आज ग्वादर मसाइलिस्तान ना होता। पानी, बिजली, सेहत, तालीम जैसे बुनियादी मसाइल हल करने में एमपीए साहब मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मुजाहिरीन का खिताब। डिवीजन हमीदुंडा क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरे राउंड के आखिरी मैच में बलूच ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने जूनियर जहूर शाह क्रिकेट टीम को 47 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। आल ग्वादर मरूम इमाम बख्श फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे मैच में एमएमजी फुटबॉल टीम ने आरबी स्टार फुटबॉल टीम को 1 के मुकाबले में 3 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और पिशुकान में जारी सुपर लीग सीजन 3 के मैच में न्यू स्काई क्रिकेट क्लब ने अरबाब स्टार क्रिकेट क्लब को बासानी 88 रन से शिकस्त दे दी।